अदर व्लॉग. आज है जनाब हमारी सर्जरी की आखिरी ईआर कॉल. जब आप लोग बहुत जब आप लोगों की बहुत किस्मत ख़राब चल रही हो तो आप लोगों की ऑल्टरनेट कॉल सर्जरी के आखिरी दिन में लग जाते हैं. तो आज थर्सडे है और आज हमारी आखिरी ईआर कॉल है. वही ना, ऑल्टरनेट कॉल्स है. आज ईआर है, कल घर जाएंगे, परसों फिर वार्ड कॉल है. सो अभी हम लोग, मैं बहुत ज़्यादा लेट आई थी राउंड के लिए और ख्वाला ने बेइज्जती सुनी है. ख्वाला आएगी नहीं, लेकिन एक लड़की है उसका नाम है ख्वाला, ठीक है, छोटी सी है बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन वो वीडियो में नहीं आती. तो पीछे वो उसकी आवाज़ सुनने पर जरूर मिलेगी, पीछे वो कहीं ना कहीं चुटकुले छोड़ती रहेगी. सो आप लोग सुन लीजिएगा. हाँ तो ये इसको तो आप जानते ही है, इसको तो अब आप लोग हिफ्स हो गए होंगे. आप लोगों को ये एक है ना, यहाँ से कहा हम लोग गए थे प्राइवेट वार्ड राउंड करवाने, वहाँ पे राउंड हो गया. चुटकी आ जाए फिर हम आगे चलते हैं. और अब हम वार्ड जा रहे हैं, वार्ड का भी राउंड हो गया, मैंने नहीं अटेंड किया, बहुत लेट आई थी. हाँ हिना को बहुत से पा रहे तो अब हम वार्ड के जाके काम शाम करेंगे. हिना को घर वाले नाश्ता भी नहीं देते, नाश्ता भी करेंगे एंड लेट्स सी दिन कैसा गुजरता है. खोला के कान है, खोला ने एक अलग इयर रिंग पहने. हाँ चलो एक अलग इधर से दिखा, ये अलग पहने. ये नहीं डालना, क्यों नहीं डालना. अभी हम कार्डियक आए हैं एक पेशेंट को देखने, सर पेशेंट देख रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें पिज्जा मिलना है. खोला के कान दिखाने में मैं खोला के कान दिखा रही हूँ सर आगे. अब हम ओपीडी जाएंगे पिज्जा खाने. बाय बाय बाय. ये डॉक्टर रमशा जो है वो काम कर रही है, ठीक है. और डॉक्टर रमशा का जो हाल है वो ये है, लुक बिजी डू नथिंग वाला, ठीक है. और अभी हमने 8 o'clock ईयर में जाना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रमशा का वहाँ क्या हाल होता है, वहाँ ये क्या हाल करते हैं. रमशा की ड्रेसिंग रहेगी जो खोला साथ कराएगी. अच्छा बेड 3 पे रमशा है जिसकी ड्रेसिंग कर रही है. रमशा ने कर दी है. और रमशा अपना मास्क नीचे उतार के थोड़ी सी अपनी शक्ल दिखा दे. शर्मा क्यों रही. ये हमारी डिम्पल गर्ल है, ठीक है. और सी यू सून, बाय. यार यूरोलॉजी की लाइट कितनी अच्छी है. खैर हम आए थे यूरोलॉजी पेशेंट को ओटी शिफ्ट कराने, तो जलालत ऐसी चल रही है कि 2 बजे काम ख़त्म करने के बाद हम 8 बजे तक रेस्ट वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आज हमारी कॉल है तो आज तो होने थे इंतहा के ऑपरेशन. सो अभी एक अपेंडेक्टमी चल रही है जो डॉक्टर हिना कह रही है, डॉक्टर हिना अपने हाथों से कर रही है. उसके बाद एक हम लोगों की डिब्राइडमेंट होनी है. तुम्हारी थोड़ी ना होनी है, पेशेंट की होनी है. मरीज की होनी है, होनी तो डिपार्टमेंट की है ना. तो उसको हम लोग लेने गए थे यूरोलॉजी, लेकिन उनका ब्लड इन हैंड नहीं है, वो हमें चाहिए. और अभी हमें तीसरा चक्कर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम तो पागल हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है. और अभी 5:20 है और 8 बजे से हमारी ईयर बीस की भी जलालत शुरू हो जाएगी. ओके सो अब हम वापस ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं, क्योंकि और क्या करना है, हमने अपनी ज़िंदगी में भी आराम से आराम थोड़ी कर सकते हैं हम लोग. गाइस अभी यहाँ से डॉक्टर रमशा जो है वो आ रही है, ठीक है, मेरा फ़ोन लेती हुई, क्योंकि मैं अपना फ़ोन जो है वो ओटी में भूल आई थी, ठीक है. तो अब ये रमशा आई है मेरा फ़ोन लेती हुई, ठीक है. और मेडिकल वार्ड से जा रहे हैं पेशेंट का शिफ्ट, क्योंकि आज हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमने पेशेंट शिफ्ट करवाना है, ठीक है. और जो हिना है वो बहुत सुकून में वॉश हुई है, ठीक है. और हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है इन बच्चों पे. ये हमारा हॉस्पिटल है, इसके हालात बहुत खराब है, बट ये पेम्स है.
रमशा जी, ये है मेडिकल वार्ड 3। हम इंतज़ार कर रहे हैं पेशेंट का कि वो आ जाए, फिर हम उसे लेके जाएं। ये वार्ड मुझे अच्छा लगता है, हमारे वार्ड से बहुत ज़्यादा साफ सुथरा। यस, हमारा रेनोवेट नहीं हुआ अभी। हमारी बहुत बुरी हालत हुई है और ये रमशा घटिया किस्म के बेड पे सो रही हैं, ठीक है। ये हर वक्त सोती रहती है, ये इसी तरह सोती रहती है, ठीक है। और फिर ये बाद में कहती है, मैंने आपको पहले बताया था ना, रमशा ऐसे करती है, लुक बिजी डू नथिंग। तो ये इसका हाल है। यार मैं मर जाऊंगी आज नाइट। यार तो जानी नहीं करेंगे ना, तो मैं नहीं उठाऊंगी जानी। कहाँ से नहीं उठाऊंगी नाइट यार, जागना तो सारी रात है ना, मैं नहीं जाग सकती, फट रहा है मेरा सर। तो पहले ये क्यों कहा था कि हमें नाइट करनी है, ताकि सुबह घर चली जाओ। क्या आप छोटा डोंकी और बड़ा डोंकी। दिस पतली सी ना लग रही है, दिस इज व्हाट वी डू जब हम बहुत थक जाओ, हमारी 10 मिनट में ही यार शुरू हो रही हो। पहले चलो उसके ऊपर, यार ऊपर दो एप्पल पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ मैं इस घटिया जगह पे सोई कैसे, उस दिन तो नहीं होंगे ना, उस दिन तो केएफसी की बोटिया पे पड़े। सर करेंगे हमें याद। यार हम ही ना फूड पांडा खोलो बस, मेरा बर्दाश्त। कितने अच्छे अच्छे से हम ख्याल रखते हो जी, छोड़ के जाओगे मुझे चार बजे। यार मेरी बात सुनो यार, सर अब नींद तो सबसे ज्यादा प्यारी होती जी, बेशक पीजी ने तो सुना ही ना। सर पीजी कहाँ तो सोचे ना, अब शुक्र है बेशरम बोल दिए, कुछ और नहीं बोला। कंबल पहन के ऐसे बैठी हुई है जैसे यार तो है ही नहीं, इसे खाना नहीं डिसाइड हो रहा। यार कर दो ना ऑर्डर। सर ये तो कर दिया, खिलाना सब्बर सब्बर जानी सब्बर। क्या क्या है इसमें? चूज योर प्रीमियम बर्गर, ओके, एलोपिनो क्लासिक, फैलो बताए डॉक्टर हारिस, क्लासिक दोनों एलोपिनो प्रीमियम कर दो। मैं नहीं खाती हूं क्लासिक, एक क्लासिक। अच्छा जी, ये खाना नहीं डिसाइड हो रहा, रात के 1 बज गए, इन्ना ने खाना खिला। अपने फ्राइज बताएं आप, मसाला फ्राइज, प्लेन फ्राइज? नहीं प्लेन। अच्छा जी, नहीं गार्लिक। सर को नींद आ रही है, गार्लिक मायो। सोच रहा हूं मेरे इतने में पेट भर जाए। अच्छा भर जाएगा। हाय, इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं। आप लोगों को ईआर की अपडेट देनी थी, 8 बजे से लेके 1 बजे तक हम कुत्ते की तरह से लील हुए ईआर में। ये हमारी ईआर है और आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ, इस छोटे से कमरा नंबर 2B, पिम्स की इमरजेंसी का कमरा नंबर 2B, सर्जिकल। और रमशा इस टाइम बिल्कुल मरे भी है क्योंकि सर फट रहा, और हिना एज यूजुअल 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हम कुत्ते की तरह जलील हुए, फोन तो देखने तक का भी टाइम नहीं था कि हम व्लॉग बनाते। उसके बाद हमने खाना खाया जो कि हिना ने खिलाया। यार नहीं, इस काबिल नहीं है ना इस टाइम शक्ल दिखाने वाले। और अब मैं मेरी मरने वाली हालत है और मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी शदीद ठंड में हम लिटरली ये लेके बैठे हुए हैं ईआर में, इतनी शदीद ठंड में भी लोग रात के 1 बजे क्यों आ रहे हैं भाई, क्या क्या लेना उनको हॉस्पिटल से। रमशा बिल्कुल पागल हो चुकी है और मैं अब सोना चाहती हूँ। और अब हमारे इस कमरे का जो दरवाज़ा खोलता है, हमारा दिल करता है हम बाहर से उसको बाय बाय कर दें। सैनिटाइजर की बोतल का भी हमारी हाल खराब है, वो भी हमारी तरह बेहाल हुई भी है। यार कब कब 8 बजेंगे, कब? 5 hours to go. ओके बाय बाय, सी यू सून। अच्छा जनाब, 7:30 हो गए, आधा घंटा रह गया हमारी इस कुत्ते बने का। और अभी बस हम लोग फ्रेश होके जा रहे हैं, नीचे राउंड होगा और इंशाल्लाह हम फारिग हो जाएंगे। होप सो, लेट्स सी, राउंड करते हैं।
देखते हैं क्या हिसाब किताब है एंड लेट्स एंड इट। हे सो फाइनली होम। मुझे उस टाइम पे लगा था कि हम लोग शायद 8 बजे राउंड होके घर चले जाएंगे, बट दैट डिडंट हैपन क्योंकि सर ने बोल दिया बिकॉज यू प्लान एंड देन अल्लाह प्लान्स, और बीच में डॉक्टर नजीब का प्लान आता है और वो कहते हैं कि आपने एक पेशेंट को जिसको हम लोग CCU देखने गए थे बेड 10 पे रेडियोलॉजी शिफ्ट करवाना है फॉर द अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्रेन डालना था उसमें, एंड यू हैव टू बी देयर जब तक ब्रेन डालना जाए एंड देन यू हैव टू शिफ्ट द पेशेंट बैक और फिर आप घर जाओ। एंड द ईजी इट साउंड्स, इट्स नॉट दैट ईजी स्पेशली आफ्टर द नाइट ईयर, क्योंकि आप सारी रात के जाके हुए होते हो, सो आपको एक्चुअली सुबह घर जाना होता है। बट फिर मैं और हिना हम गए, हम लोगों ने वो पेशेंट शिफ्ट करवाया, पहले सर से पूछा जिन्होंने डालना था, उन्होंने कहा मैं तकरीबन 9:30 बजे तक आऊँगा। फिर हम ने तब तक नाश्ता किया, उसके बाद सर पेशेंट शिफ्ट करवाया, सर के साथ वो देखा, एंड स्पेशली व्हेन इट्स योर लास्ट ईआर कॉल तो आप कह रहे होते हो कि ये भी सही ये भी हो जाए। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी ईआर कॉल ख़त्म, अब मैं घर आई हूँ, उसके बाद वो पेशेंट शिफ्ट वगैरह वापस करवाया, सारे नोट्स वगैरह क्लियर करके एवरीथिंग डन, आई जस्ट केम बैक होम एंड कल मेरी फिर से कॉल है। दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट कॉल्स, एक दिन कॉल, अगले दिन आप घर आते हो, अगले दिन फिर कॉल, उसे अगले दिन आप घर आओगे एंड द सर्जरी इज़ ओवर एंड आई केम बैक होम टू दिस रियली क्यूट पैकेज फ्रॉम माई भाभी। थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग देयर फॉर मी, लव हाजरा। थैंक यू भाभी, शी इज़ नॉट होम, मैं अभी घर आई हूँ, अब्रेश इज़ नॉट होम, आई मिस हर कॉल, कॉल के बाद घर आकर मेरी एक एंटरटेनमेंट है अब्रेश विच मेक्स माई मूड बेटर, बट शी इज़ नॉट होम, बट आई केम होम टू दिस क्यूट लिटल पैकेज। तो मैं सोती हूँ और आई गेस मैं जब तक सोकर उठूँगी होपफुली अब्रेश आ जाएगी या थोड़ी रात को आ जाएगी, क्योंकि मेरी कल फिर से कॉल है ना, तो वन मीटर, बट लेट्स सी, सो लेट्स सी व्हाट्स इट इज। सो जनाब दिस इज द शॉर्ट शर्ट टू वेयर ऑन जीन्स आई गॉट, दिस इज द स्टाइल, इट्स फ्रॉम लाइमलाइट एंड आई लव 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 द कलर बिकॉज आई लव ब्लू इन विंटर्स यार, मुझे नहीं पता ये डार्क ब्लू टाइप कलर मुझे बहुत शदीद पसंद है एंड आई लव द शर्ट, इट्स खद्दर सो बेस्ट फॉर विंटर्स एंड थैंक यू भाभी। सो नाउ आई गॉट अ चेंज नाउ और फिर मैं नमाज पढ़ के सो जाऊंगी बिकॉज आई एम रियली 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 टायर्ड एंड देन सी यू गाइज टुमारो विद द वार्ड कॉल एंड लास्ट कॉल ऑफ सर्जरी, बाय।